अगली खबर के रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीते 2 साल से कोरोना के प्रकोप के चलते हुए राजधानी जयपुर के अंदर डांडिया महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हो गया है वैसे ही जगह जगह पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर मानसरोवर स्थित कृष्णा सरोवर कॉलोनी के अंदर आज से यह आयोजन की शुरुआत हो रही है और 5 दिन तक यह आयोजन चलने वाला है, जिसमें जगह जगह से लोग वहां पर नृत्य के लिए डांडी के लिए मौजूद रहने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आने वाले हैं। किस प्रकार से इसकी रूपरेखा रखी गई है, कौन कौन मौजूद रहेगा और कार्यक्रम कहां पर कराया जा रहा है, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के अंदर बीते 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे डांडिया व गरबा महोत्सव को लेकर के एक खुशखबरी सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दें कि इस बार कोरोना महामारी के असर को कम देखते हुए डांडिया व गरबे का भव्य आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भिन्न भिन्न जगह पर किया जा रहा है। इसी के चलते हुए नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को बता दें कि वी पीपल टू सर्व ह्यूमैनिटी एवं कृष्णा सरोवर परिवार के तत्वाधान में आज डांडिया व गरबा के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कृष्णा सरोवर सेंट्रल पार्क के अंदर यह आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि आज यानी 30 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डांडिया व गरबे का भव्य आयोजन किया जाएगा। शाम को 7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक यह आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दरमियान आप सभी को बता दें कि रोज़ाना नई थीम के साथ में डांडिया और गरबा का आयोजन किया जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के गानों के ऊपर लोग थिरकते हुए नजर आने वाले हैं। महोत्सव को लेकर के पूरे कॉलोनी वासी ही नहीं शहर वासियों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर के अंदर आप सभी को बता दें कि यह आयोजन शुरू हो जाएगा और लोग का पहुंचना यहां पर शुरू हो रहा है, और इसी दौरान यूथ ने जहां नए फैशन ट्रेंड के साथ में पारंपरिक वेशभूषा पहन करके गरबा और डांडिया को एंजॉय करने का मन बनाया है, तो इसी के साथ में इस बार यह डांडिया उत्सव काफी उत्साहपूर्वक देखने को मिलेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।